37 नंबर। 37 नंबर देखिए क्या दिया, इंटीग्रल ऑफ x प्लस वन इन टू में e टू द पावर x और y में cos स्क्वायर x e टू द पावर x, ठीक है dx। अब इसमें हम लोग देखेंगे, अगर हम लोग x e टू द पावर x को t पुट करें तो उसका डेरिवेटिव यहाँ पे मिल जाएगा। तो मैं इसमें पुट करता हूँ x e टू द पावर x इक्वल टू में, और इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा x का वन e टू द पावर x, x वैसे ही और x को वैसे रखे e टू द पावर x का डेरिवेटिव e टू द पावर x इक्वल टू में dt by में dx into v में मैंने कर दिया। यहाँ e टू द पावर x कॉमन होगा तो 1 प्लस का x बच जाएगा, और ये dx इधर लगता है इक्वल टू में dt। तो देखिए तो भाई मेरे ऊपर जो ये आया है ये ऊपर dt ना हो जाएगा, और ये नीचे cos स्क्वायर इसका वैल्यू t, t ना था ये। अब ये चलिए इंटीग्रल के लिए cos है तो ऊपर जाएगा तो ये sec में कन्वर्ट हो जाएगा, sec स्क्वायर t dt। अब sec के स्क्वायर का आप जानते हैं tan हो जाएगा, tan t और प्लस का c, तो tan t का वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं x e to the power x plus c, ये आपका आंसर हो गया।